जनाब, आप कुछ सुनाएंगे भी या नहीं? हाय, सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बहुत ज्यादा, कह सकते हैं तो खुद से भी ज्यादा। आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बेपनाह मोहब्बत। और मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आता कि आपसे कुछ अरसा पहले हम दोनों एक दूसरे के अजनबी थे। हम इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती? यकीन तो करना पड़ेगा, और यही हकीकत है। जब दो लोग एक निकाह में बन जाते हैं तो उससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये फार्म हाउस क्यों चूज किया। क्या बात है आखिर? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ एक हकीकत बताने के लिए आया। कैसी हकीकत? हनी, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त मुनासिब नहीं लगा। लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम्हें सच्चाई बता। कैसी सच्चाई? नहीं, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ। क्या हो गया है आपको? मैं वादा करती हूँ, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या है? नहीं, मुझे मीग्रेन नहीं है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे कभी भी ये हकीकत छुपाना नहीं चाहता था, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, बल्कि मैंने तो मम्मी से वादा भी लिया था कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हकीकत बताएं, लेकिन उन्होंने हम सबको धोखा दिया। मुझे तो लगा कि शायद वो जब रिश्ता मांगने के लिए आई थी, तुमसे बात करने के लिए आई थी, तो शायद उन्होंने सच बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस सारे मंसूबे में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मैं हमेशा तुम्हें सच्चाई में, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? ब्रेन ट्यूमर तो आंटी को है, उन्होंने बताया था अपनी बीमारी के बारे में। आपको नहीं है? आप बोल दें कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोल दें कि आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, बोलिए ना, बोलें कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ झूठ मम्मी ने बोला। वाकई में ब्रेन ट्यूमर है। हमारी शादी धोखे से हुई। एनी, प्लीज कुछ तो बोलो। नाराज हो तुम मुझे कुछ कहो, मेरे मेरे घर वालों को कुछ कहो, लेकिन इतना खामोश मत रहो। प्लीज एनी, एनी प्लीज कुछ तो बोलो। मेरी कसम, प्लीज।